नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग राजनीति शास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। उस पॉलिटिकल साइंस विषय के संदर्भ में हम लोग प्रमुख रूप से जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आइए हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के संदर्भ में आगे की ओर बात करते हैं, जो कि हम लोग का प्रमुख रूप से टॉपिक चल रहा था प्लेटो के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बातें करेंगे कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में क्या बात कहा है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए प्लेटो का आदर्श राज्य। देखिए, प्लेटो के काल में यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर अपनी पुस्तक जो है, प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किए हैं। ऐसा है, जो यूनानी राज्यों में, यूनान में जो राजनीतिक अराजकता था राज्य के संदर्भ में प्लेटो के समय, तो उसी राज्य में एक आदर्श राज्य की क्या विचारधारा है, कैसे एक आदर्श राज्य को बनाया जा सकता है, उसके बारे में प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक, जो एक अमरकोश है, अमर ग्रंथ है, उसमें इन्होंने प्रमुख रूप से बताया है कि कैसे जो है आदर्श राज्य की संकल्पना कैसे हो सकता है। इसके लिए एक आदर्श राज्य का प्रस्तुतीकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, जो व्यवहारिकता उसकी कमी है, लेकिन हमें उसे पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मानसिक मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की है। खास करके सुकरात की जो विचारधाराएं हैं, जो आदर्श राज्य के संदर्भ में, वही प्लेटो के मन और मस्तिष्क में व्याप्त था। ठीक है, क्योंकि वहां के जो भी तत्कालीन समस्याएं थी, वो समस्याओं को दूर करने के लिए एक आदर्श राज्य, एक आदर्श लोकतंत्र जिससे जन कल्याण की भावना का निर्माण हो, जन प्रमुख समस्याओं का निर्माण हो, जो जन प्रमुख समस्याएं हैं उसका कार्य, उस समस्याओं का निदान हो, ऐसी समस्याओं के लिए आदर्श राज्य का होना अति जरूरी है। प्लेटो की जो राज्य के संदर्भ में विचारधाराएं थी, प्लेटो कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करे, उसके अनुसार यह केवल एक श्रेष्ठ राज्य अथवा एक आदर्श राज्य में ही संभव है। यह चाहता था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम जीवन यापन करे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब एक आदर्श राज्य की संकल्पना का निर्माण हो सकता है। एक आदर्श राज्य की संकल्पना का जब निर्माण हो सकता है, तो आदर्श राज्य की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ स्तंभ हैं, जैसे न्याय। ये न्याय पे आपको हमने पिछले क्लास में बताया कि प्लेटो का न्याय क्या है। प्लेटो ने अपने न्याय व्यवस्था में किस प्रकार की बात करते हैं, तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय में प्लेटो के आदर्श राज्य का पहला आवश्यक तत्व है, जो न्याय है, ये प्लेटो के आदर्श राज्य का पहला आवश्यक तत्व है। क्योंकि न्याय नहीं रहेगा तो राज्य आदर्श हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्लेटो राज्य को एक विराट व्यक्ति मानता है। जिस तरह व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण होते हैं, उसी प्रकार राज्य में उन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में इन तीन गुणों में से एक प्रबल होता है, जिसे तृष्णा, साहस, विवेक। इसी प्रकार ये जो आप तृष्णा, साहस, विवेक की बात, जो प्रबल होता है, उसी प्रकार जो है यह न्याय के संकल्पना में प्लेटो राज्य की, राज्य में बात कर रहे हैं कि कैसे हम आदर्श राज्य की संकल्पना ला सकते हैं।
तो न्याय जिस प्रकार यह जरूरी है व्यक्ति के मनुष्य की आत्मा में, व्यक्ति के मन में तृष्णा साहस विवेक ये प्रबल होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य को आदर्श बनाने के लिए न्याय भी जरूरी है। और न्याय से ही राज्य आदर्श की ओर जा सकता है, आदर्श राज्य बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटो की दूसरी विचारधारा शिक्षा पर आधारित है। प्लेटो की जो दूसरी विचारधारा है वो शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि शिक्षा प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा के महत्व का वर्णन किया है तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा की विस्तृत योजना प्रतिपादित की है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र पर लिखा एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो की शिक्षा नीति, प्लेटो की शिक्षा विचारधारा पर ही रूसो ने कहा था, क्या कहा था, कि जो रिपब्लिक है वह शिक्षा शास्त्र पर लिखा एक प्रमुख सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, देखिए साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जो साम्यवाद है वह प्लेटो के आदर्श राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, रिपब्लिक में प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण किया है। इसी जैसे शिक्षा को माना जाता है दूसरा तत्व, इसे तीसरा तत्व साम्यवाद है। ठीक है, शिक्षा की तरह साम्यवाद भी केवल अभिभावकों के लिए है। प्लेटो मानता है कि श्रेष्ठ शिक्षा के बाद भी अभिभावक वर्ग अपने पथ से विचलित हो सकता है। उसके मार्ग में दो दुर्बलताएं हैं, संपत्ति और परिवार। प्लेटो इन दोनों के समूहीकरण की व्यवस्था करता है। ठीक है, जो साम्यवाद की विचारधारा है, हम लोग साम्यवाद के बारे में, परिवार के बारे में और जो संपत्ति और परिवार है, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत क्या है। ठीक है, इस पर प्लेटो की क्या विचारधाराएं हैं। अच्छा, अगला एक तत्व के रूप में आपको पता है कि प्लेटो एक दार्शनिक शासक के रूप में भी बात करता है आदर्श राज्य के लिए, कि एक आदर्श राज्य की संकल्पना कैसे बनाया जा सकता है, एक दार्शनिक शासक के लिए होना जरूरी है। इस प्रकार दार्शनिक शासक प्लेटो के आदर्श राज्य का चौथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। दार्शनिक शासक की अवधारणा प्लेटो की सर्वाधिक अभिनव व मौलिक अवधारणा है। ठीक है, सर्वाधिक जो है अभिनव व मौलिक अवधारणा है। ठीक है, वह मानता है कि राज्यों की बुराइयों का मूल कारण यह होता है कि शासक वर्ग मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। ऐसा प्लेटो का मानना है कि जो राज्यों की बुराइयों का जो कारण है वह शासक वर्ग मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसलिए प्लेटो का आग्रह है कि जब तक शासक दार्शनिक शासक नहीं होगा, राज्यों की बुराइयां समाप्त नहीं होगी। यह प्लेटो का मानना है। ठीक है, चूंकि दार्शनिक शासक वह है जिसे समाज के हित और अहित का सही ज्ञान है। प्लेटो के शब्दों में दार्शनिक शासक वह है जिसे समाज के हित और अहित के बारे में पूरी तरीके से सही ज्ञान है, जिसे यह बात अच्छी तरह पता है कि समाज की भलाई किसमें है और बुराई किसमें है। ठीक है, ये प्लेटो के शब्दों में दार्शनिक शासक होना, यह प्लेटो का एक महत्वपूर्ण जो है आदर्श राज्य का चौथा स्तंभ था। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, दार्शनिक सम्राट का सिद्धांत। देखिए प्लेटो के आदर्श राज्य का प्रमुख दार्शनिक सम्राट है। ठीक है, जैसा कि आपको बताएं, प्लेटो का विश्वास था कि शासन जैसी महत्वपूर्ण कला का नेतृत्व एक कुशल कलाकार द्वारा होना चाहिए। यह प्लेटो का विचार था। ठीक है, प्लेटो का जो विचार था वह यह था
कि शासन जैसी महत्वपूर्ण कला का नेतृत्व एक कुशल कलाकार द्वारा होना चाहिए, कुशल कलाकार। इसलिए दार्शनिक शासक की बात करता था। राज्य को सार्वभौमिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका संपूर्ण संचालन एक पूर्ण पुरुष के हाथ में हो, तभी राज्य तथा समाज दोष मुक्त हो सकता है। आप बताइए, इस आधुनिक समय में जो लोकतंत्र की कल्पना है, प्रत्येक देश में एक संविधान है, उस संविधान के माध्यम से प्रत्येक राज्य एक आदर्श राज्य की विचारधारा से प्रेरित है, तो उस समय में प्लेटो एक आदर्श राज्य की संकल्पना कैसे हो, उसके लिए कैसा शासक होना चाहिए, दार्शनिक शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, शिक्षा कैसा हो, इन सारे विषयों पे प्लेटो का एक फोकस है। और ये सारे विषय जो प्लेटो के मन और मस्तिष्क में है, इनके गुरु सुकरात के द्वारा ही प्रेरित है। प्लेटो का आदर्श राज्य के संदर्भ में और भी विचारधारा, जैसे प्लेटो का विचार था कि राज्य व व्यक्ति के हित में समानता है। प्लेटो का विचार था कि राज्य व व्यक्ति के हित में समानता है। इनमें कोई अंतर नहीं है कि प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य का संगठन व राज्य का स्वरूप व्यक्ति की रचना पर आधारित है। राज्य के शासक, सैनिक तथा उत्पादक वर्ग व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले तीन गुण जैसे विवेक, साहस तथा तृष्णा के समान हैं। जैसे राज्य के शासक होते हैं, उत्पादक वर्ग होता है, सैनिक वर्ग होता है, तो ऐसे उसकी समानता की बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार प्लेटो का जो एक आदर्श राज्य की विचारधारा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसे कभी भी ऐसे प्रश्नों का आप प्रश्न उत्तर के रूप में लिखें, तो इसे आप अपने पूरे प्लेटो की विचारधारा को अच्छे तरीके से समझ करके लिखें, ताकि आप राज्य के बारे में आदर्श क्या है इस बात को समझ सकें। जय हिंद दोस्तों।